नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुबई एक ऐसा शहर है जहां बस्ती है अमीरी और जहां दिखता है हसीनाओं का जलवा और जहां के शेख रखते हैं शेर और चीते पालने का शौक, जहां का बुर्ज खलीफा दुनिया को करता है अपनी ओर आकर्षित। लेकिन इन दिनों सात समंदर पार दुबई की एक खबर ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, जिस हसीना पर दुबई के अरबपति सुल्तान यूए के पीएम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम जान छिड़का करते थे, वही दिलो अजीज रानी उन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाकर भाग निकली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है दुबई की महारानी हया बिंत अल हुसैन, जिनके सुनहरे बाल, दिलकश अदाएं और दिल छू लेने वाली चेहरे की मुस्कान पर यूए के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अपना दिल दे बैठे थे। हया बिंद को अपनी बेगम बनाया, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस मोहब्बत के चलते सहरा पहना वही एक दिन दगा दे जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महारानी हया बिंद अपनी 11 साल की बेटी जलीला और 7 साल के बेटे जायद संग करीब 270 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है और उनके भागने में किसी और ने नहीं बल्कि जर्मनी दूतावास के किसी एक अधिकारी ने की है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और सोशल मीडिया के जरिए समाज सेवा में खूब नाम कमाने वाली हया बिंत अल हुसैन पिछले काफी वक्त से सुल्तान से तलाक चाह रही थी। दोनों के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे थे और मौका मिलते ही बच्चों संग रानी शेख को करोड़ों रुपए का चपत लगाकर भाग निकली। रानी हया बिंत के छोड़े जाने पर भले ही शेख मक्तूम को कोई लेना देना ना हो, लेकिन जो कि भागने में जर्मनी राजनयिक ने मदद की है, इसके चलते दोनों देशों के बीच राजनयिक संकट पैदा हो सकता है। हमने अब तक आपको इस मामले का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया, अब अगर दूसरे पहलू पर गौर करें तो शेख की बेटी लतीफा भी कुछ इसी तरह भागी थी, लेकिन बताया जाता है कि उसे पकड़ लिया गया और फिर कैद कर लिया गया था। क्या पता शेख से तलाक चाहने वाली उनकी ये बेगम हया बिंद को भी कहीं कैद ना कर लिया गया हो। फिलहाल 20 मई से रानी हया बिंद सोशल मीडिया से गायब है और उनके जर्मनी और इंग्लैंड में छुपे होने की बातें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद को करोड़ों का चूना लगाने वाली उनकी ये रानी हया बिंद आखिर कब तक गायब रहती है।